याद है, बड़ा मशहूर वाकया और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ वाकया। इतना मुहय्यरुल अकूल है, सऊदी अरब की हाई कोर्ट के अंदर केस चला, अखबार ने सुर्खियां लगाई। केस क्या है? कोई जायदाद का झगड़ा, कोई माल का तनाजा नहीं। केस ये है, एक 80-90 साल का बूढ़ा और एक 60-70 साल का बूढ़ा, बूढ़े हैं दोनों, अदालत में केस लगा हुआ है। केस भी अजीबो गरीब नौइयत का। केस ये है, 70-80 साल का जो बंदा है उसके पास उसकी 110 साल की वालिदा मौजूद है। छोटे बेटे ने मुकदमा किया हुआ हाई कोर्ट के अंदर, नीचे से आते आते हाई कोर्ट में आ गया है। ये सारी जिंदगी इसने वालिदा की खिदमत की है, या बूढ़ा हो गया है, अब वालिदा की खिदमत सही तरह नहीं कर सकता, मैं केस करता हूं। 70 साल उस छोटे भाई की भी उम्र है कि वालिदा मेरे हवाले कर दी जाए। और लोग मालो दौलत के लिए केस करते हैं, और कुछ लोग उनकी अल्लाह ने ऐसी तरबियत कर दी होती है, इतनी अच्छी वालिदैन उनको नसीब होते हैं, ऐसी उम्दा तरबियत होती है, वो केस कर रहा है वालिदा को लेने के लिए। अदालत का जज परेशान है, ये किस किस्म का केस आ गया। वो खुद लिखता है दास्तान, अखबार में इंटरव्यू दिया, मैंने उनका पैचअप कराने की कोशिश की, 15 दिन तुम रख लो, 15 दिन। बड़ा बेटा कहता है मेरे पास रही है, मैंने अब छोड़नी ही नहीं, अब चाहे मेरी उम्र 80 साल हो गई है, एक दिन भी अगर मेरी वालिदा मेरे बारे में शिकायत करे मेरे छोटे भाई को दे देना। छोटा भाई कह रहा है ये अकेला ही जन्नत कमाने लगा हुआ, मेरा कोई हक नहीं, वालिदा पे इसने इतनी उम्र खिदमत कर लिया, मेरा भी हक है, ये बूढ़ा हो गया। पैचअप करने की कोशिश की, पैचअप नहीं हुई। अदालत का जज लिख रहा है अखबार के अंदर, पैचअप दोनों भाइयों को बुलाया, और अल्लाह का वास्ता है क्या तमाशा बनाया हुआ, अखबारों में खबरें लग रही। एक भाई मान जाए, सरेंडर कर लो 15-15 दिन, कोई भाई मानने पर तैयार नहीं। कहा वालिदा से पूछ लेते, जज ने आखिरी हल ये निकाला, वालिदा से पूछते कि जिसके पास वालिदा रहना चाहती है उसके सुपुर्द कर दूंगा। वालिदा को बुलाया गया, व्हील चेयर पे आई, कहते 30 किलो उसका वजन होगा, कमजोर सी। जज ने पूछा ये तेरे बेटे, तूने कैसी तरबियत की है, तेरे लिए झगड़े हैं, मेरे पास तो मालो दौलत के केस आते हैं, जायदाद के केस आते हैं, प्रॉपर्टी के केस आते हैं, तू इन दोनों में से किसके पास रहना चाहती है? वालिदा उस उम्र में रो रही है, अल्लाह की कसम मुझे दोनों प्यारे हैं, मैं दोनों में किसी के साथ फर्क नहीं कर सकती, आप जज हैं, मैंने आपको इख्तियार दिया, जिसके साथ रहने का हुक्म देंगे मैं रहूंगी, मैं दोनों में से एक का इंतखाब करके अपने किसी बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती। अदालत के जज ने फैसला लिखा, शह सुर्खियां छपी, उस बुजुर्ग खुशकिस्मत खुशनसीब इंसान के आंसुओं की तस्वीर रियाज के अखबार में छपी। अदालत के जज ने फैसला लिखा, इस बुजुर्ग ने 40 बरस अपनी वालदा की खिदमत कर ली है, अब छोटे भाई का भी हक बनता है, ये बूढ़ा हो चुका है, 80 साल इसकी उम्र हो चुकी है, खुद कमजोर हो चुका है, ये सही तरह अपनी वालदा की खिदमत नहीं कर सकेगा, मैं छोटे भाई को वालदा का जो सारी की सारी जिम्मेदारी है सुपुर्द करता हूं। जब ये फैसला हुआ वो बूढ़ा जारो कितार रोना शुरू हो गया, उसकी तस्वीरें अखबार में छपी, वो कहता है हाय अफसोस, मेरे बुढ़ापे ने मुझे वालदा से महरूम कर दिया। लोगों ये तरबियत है, ये अंदाज है कि 80 साल का बूढ़ा जारो कितार वालदा के छिनने पे रो रहा है कि मेरी जन्नत मुझसे दूर कर दी गई है। हमारा मुआशरा कितना बदनसीब है, बदबख्त है, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना तो दूर की बात, उनको ओल्ड होम में भेज देता है, ओल्ड हाउसेस में भेज देता है। ये ओल्ड होम ओल्ड हाउसेस में भेजना इस्लाम का कल्चर नहीं है।